और अब मैं इसको अच्छे तरीके से मसाले मिक्स कर लूँगी। वाह क्या जबरदस्त कलर है इसका और क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है। वाह वाह वाह। ये दिखाई इसे साइड में, ये देखिए इसमें मैं हरा धनिया ऐड कर रही हूँ, कोरिएंडर, और इसको मैं 5 मिनट देखें अभी टेस्ट करते हैं। ये इसके अंदर थोड़ा दही मिक्स करते हैं, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी पापड़ी या आम मसाला, और ये थोड़ा धनिया और थोड़ी पापड़ी। अभी देखते हैं, वाओ जबरदस्त बेहतरीन नंबर वन गुड गुड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ वो कर रही हूँ चना चाट की। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने रात को जो है वो चने भिगो दिए थे और सो अभी जो है वो बॉईल कर दिए मैंने इसको। और इसमें मैं 2 कप ऑफ वाटर ऐड करूंगी फ्राई पैन में, जो मैं चनों का मसाला बना रही हूँ। और वहाँ मैंने चने जो धुआ उठ रहे हैं उनको मैंने ठंडा होने के लिए रखा है। तो उनको जब तक वो ठंडे होंगे तब तक मैं उनका जो है वो मसाला रेडी कर लेती हूँ चने की छाट कर, कि क्या मुझे उसमें क्या क्या ऐड करना है। तो ये चीज मैंने रख दी है 2 ग्लास ऑफ वाटर। और इसमें अब मैं जो मसाले ऐड करने जा रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा बेसन जब हल्का बॉइल वाटर हो जाएगा। देखिए मैं थोड़ा सा इसमें बेसन ऐड करूँगी और इसको कंटिन्यू जो है वो हिलाना है। ये आपने अच्छे तरीके से इस पानी में हिलाते रहना हिलाते रहना। तो पानी जैसे गर्म हो उसके अंदर आपने बेसन डाल दिया जी। अभी उसको अच्छी तरह 4 टेबल स्पून जी, और इसको अब अच्छी तरह हम मिक्स करते रहेंगे, ठीक है, ताकि ये इसमें जो है वो एक तरीके एक साइड पे जमा ना हो जाए। तो ये मैं इसको अच्छे तरीके से करती रहूँगी। तो इस तरह अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने, और अगर जो गुठलियाँ बन गई हैं तो वो अच्छी तरह डिजॉल्व हो जाए। ये देखें बिल्कुल पेस्ट की तरह बन रहा है, और ये देखें बिल्कुल पेस्ट बन गया। अच्छे तरीके से मिलाते रहें अच्छे तरह से, काफी अच्छे तरीके से इसको 5 to 10 मिनट पकाना है। और ये पक रहा है सिर्फ पानी के अंदर। ये देखें इसकी गुठलियां तकरीबन सारी गल चुकी हैं। अब जो मैं नेक्स्ट स्टेप करने वाली हूँ, बस छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। ये देखें आपने अभी भी अच्छे तरीके से इसको इतना नहीं किया है। चलिए अब मैं नेक्स्ट स्टेप जो इसमें करने वाली हूँ इसमें ऐड करूँगी अब मैं साबुत धनिया। जीरा
नमक, योगा साबित धनिया, योगा जीरा, योगा नमक, अब इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा फूड कलर, ये आ गया फूड कलर, चाट मसाला, ये आ गया चाट मसाला, लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा बिल्कुल, कुटी लाल मिर्ची, और हमें इसको अच्छे तरीके से मसाले मिक्स कर लेंगे। वाओ क्या जबरदस्त कलर है इसका और क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है, वाओ वाओ वाओ। आप दोबारा रिपीट कर देंगे मैंने कि आप कौन कौन से मसाले ऐड किए? इसके अंदर हमने धनिया डाला, इसके अंदर हमने जीरा डाला, इसके अंदर हमने नमक डाला, इसके अंदर हमने फूड कलर डाला, इसके अंदर हमने कुटी हुई मिर्चें डाली, इसके अंदर हमने पिसी हुई मिर्चें डाली, ये सारी चीज़ें डाली और इसके बाद इसको हमने हल्के फूड कलर थोड़ा सा ऐड किया। हाँ बताया ना मैंने, फूड कलर बता दिया था। आपने इसको इतने अच्छे तरीके से मिक्स करना है इतने के आपका जो है वो प्रॉपर हो जाए। अब इसमें मैं जो ऐड करने वाली हूँ वो ऐड करूँगी इमली का पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें इमली का पानी जो है वो ऐड कर रही हूँ। मैंने गुठलियों के साथ ऐड किया, आप चाहें तो गुठलियों के जो है वो बगैर भी ऐड कर सकते हैं उसके छिलके निकाल के, तो वो जो चने की चाट का आपको पता है कि एक होता है। अब ये ऐसे ही पकता रहेगा, इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रखा गया है, धीमी आंच पे रखा गया। अब मैं इसमें ऐड करूंगी चने, ये जो मैंने चने आप देख रहे हैं बॉईल किए हैं साइड पे, मैंने ऑलरेडी आपको दिखाए थे, तो ये 2 मिनट बाद मैं इसमें चने ऐड करूंगी। चलिए अच्छी तरह गल जाएं चीजें, पक जाएं चीजें, एक लेवल तक आ जाएं। जब छोटे छोटे बबल्स आएंगे इसमें तो मैं इसको ऐड कर दूंगी। अभी मैं इसको कंटिन्यू जो है वो हिलाती जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ हरी मिर्ची, टमाटर, ठीक है। अब ये 2 मिनट पकेंगे तो इसमें मैं ऐड करूँगी प्याज, बिल्कुल धीमी आंच पे पका रही हूँ मैं इसको, प्याज और हरा धनिया ऐड करने वाली हूँ इसमें। प्याज ऐड कर रही हूँ इसमें, और थोड़ा सा इसको मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ इसका लुक, थोड़ा ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे 2 अलग हमने आलू छोटे पीसेस में काट के उनको हम बॉयल करने जा रहे हैं। जब ये बॉयल हो जाएंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप चलेंगे। बोल देना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें इसमें जो है वो मैं जो आलू बॉयल किए थे मैंने वो ऐड कर रही हूँ।
टेस्ट होने वाले हैं। ये है, इसके अंदर हमने बॉइल्ड पोटैटोज डाल दिए हैं। अब इसके अंदर ऊपर से डालेंगे दही, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा दही से फिलिंग होगी इसकी। ये ऊपर हमने इसके अंदर दही डाल दिया, एक पूरा लेयर बना देंगे इसके ऊपर। और इसके ऊपर अब मैं डालूंगी पापड़ी और थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया। शीरा इसके हरा धनिया चाट मसाला, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, देखते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी पापड़ी, तो मैं पापड़ी रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको ये इसके अंदर हम पापड़ी ऐड ऑन कर रहे हैं।